हेलो स्टूडेंट्स, आज बच्चों हम क्लास 10th का जो साइंस का हमारा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है हमने केमिकल रिएक्शंस, उसका हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रिडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और इस रिडॉक्स रिएक्शन को समझने के लिए आपके लिए कुछ जरूरी बेसिक्स हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ये ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट के क्या मायने होते हैं, किस प्रकार से ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये वैलेंसी से डिफरेंट होता है। पहले कुछ बेसिक डिफरेंसेस देख लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ठीक है कि नहीं। चलिए, तो सबसे पहले मैं बता दूं, ऑक्सीडेशन स्टेट मीनिंग समझते हैं पहले क्या है ये। जब कोई भी एक एलिमेंट का एटम, सपोज ये एलिमेंट ए है, ठीक है, ये किसी दूसरे अलग प्रकार के एलिमेंट के एटम के साथ केमिकली कंबाइन होता है ना, तो सपोज मान लेते हैं ये बी है, डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो एलिमेंट ए का एटम है एक, एलिमेंट बी का एटम है दूसरा, ठीक है। जब ये एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन होंगे तो जाहिर है इलेक्ट्रॉन का लेन देन शेयरिंग कुछ भी हो सकता है भाई, गेन लॉस भी हो सकता है, शेयरिंग भी हो सकती है, ठीक है। जो भी करेंगे इलेक्ट्रॉन को लेन देन शेयरिंग करें, उसके बाद में इन दोनों के ऊपर जो चार्ज प्रकट होता है, अब वो असली भी हो सकता है, वो अपेरेंट नकली भी हो सकता है, जो भी चार्ज प्रकट होगा वो चार्ज जो होता है इस एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। समझ में आ गया, मैं एग्जांपल के साथ समझा दूंगा आपको। मान लीजिए हमने एक एटम ले लिया हाइड्रोजन एटम, दूसरा ले लिया हमने क्लोरीन एटम, ठीक है। अब हमको पता है हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या होता है, क्लोरीन का होता है 17, तो 2, 8, 7, ठीक है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो होता क्या है ये एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं आपस में शेयर कर लेते हैं, ठीक है कि नहीं। क्या, और शेयर करने के कारण क्या होगा, ये बीच में क्या है एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, तो इस हाइड्रोजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास में एक मिला, तो इसके पास लास्ट आउटर मोस्ट शेल में कितने हो गए, 8 कंप्लीट हो जाएंगे, इसके पास 2 हो गए, तो नोबल गैस कॉन्फिगुरेशन इनका अचीव हो जाता है, ठीक है ना। तो अभी क्या, HCl में क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक है, शेयरिंग के लिए, और इसने भी क्या दिया है, एक दिया है, डिसिमिलर है। अब अगर हम देखें तो इन दोनों में से इसका जो इलेक्ट्रॉन पुलिंग पावर है क्लोरीन का, वो ज्यादा है किसके मुकाबले, हाइड्रोजन के मुकाबले, ठीक है कि नहीं। क्या, तो होता ही है इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहां से दिया जा रहा है और ये क्या ले रहा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन पुलिंग पावर क्या होती है, ज्यादा होती है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, सपोज हम ले लेते हैं सोडियम और क्लोरीन के बीच में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन एक लेता है, इसके देने के कारण इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन लेने के कारण इस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो ये जो चार्ज प्रकट हो रहा है ये क्या कहलाता है, इस एलिमेंट के एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका हो गया +1, इसका हो गया -1, ठीक है कि नहीं। क्या, ओके। अब मान लीजिए अगर मैं दोनों के दोनों एलिमेंट सेम टू सेम ले लूं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अब इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने एक एक शेयर कर लिया, तो शेयरिंग में क्या होता है, लेन देन नहीं है, तो ना तो इसने इसको कोई डोनेट किया या छीना, ना इसने ऐसा कुछ किया, तो ना तो इस पे कोई चार्ज आएगा ना इस पे कोई चार्ज आएगा। तो अगर हम हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लिखते हैं तो जब सेम एटम्स के बीच में बॉन्डिंग होती है देन उनका केमिकल नेचर वो सेम है, ना तो कोई इलेक्ट्रॉन खोता है ना कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो चार्ज नहीं आता। तो चार्ज कब आता है, इलेक्ट्रॉन के लेन देन, खोने पर या पाने पर आता है, और खोएगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, पाएगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। समझ में आ गया, सो व्हाट डज इट मीन, ऑक्सीडेशन स्टेट इज द एपेरेंट चार्ज, नकली चार्ज। अब नकली क्यों बोला उसका मतलब समझ लीजिए, ठीक है भाई। NaCl में से Na ने इलेक्ट्रॉन दिया, इसने लिया, इस पे पॉजिटिव आया, इस पे नेगेटिव आया, लेकिन ये अलग अलग भाग नहीं गए, जब कंपाउंड बनेगा सो ये NaCl के रूप में इकट्ठा रहेगा, आयनिक कंपाउंड है, तो कंपाउंड फॉर्म में तो भाई पॉजिटिव नेगेटिव मिलके न्यूट्रल बन गया हमारा, ये तो क्या बन गया, न्यूट्रल बन गया। तो इसका मतलब है ओवरऑल मॉलिक्यूल का चार्ज देखे तो ना तो इस पे कुछ चार्ज है ना इस पे, क्योंकि बैलेंस हो गया, दोनों का प्लस माइनस हो गया, 0 हो गया, ठीक है। लेकिन इंडिविजुअली एक एटम पे यदि हम देखें तो उसका इंडिविजुअली +1 चार्ज है, इसका -1 चार्ज है। समझ में आ गया, तो मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर टर्म यूज कर रहा हूं, एपेरेंट चार्ज। समझ में आ गया, तो एपेरेंट का मतलब था आभासी चार्ज। तो अलग अलग कंसिडर करें, इंडिविजुअलिटी में ले, अकेला एलिमेंट ले, अकेला एटम ले, तो हमको उस पर कुछ ना कुछ चार्ज पाएंगे, लेकिन जब ग्रुप में मॉलिक्यूल में पाया जाएगा तो मॉलिक्यूल में ओवरऑल चार्ज क्या होता है, 0 होता है, सभी का एटम से ऐड कर देते हो, ठीक है। अब हम प्रॉपर इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान क्या रखेंगे, जो चार्ज प्रकट होता है वो इलेक्ट्रॉन के लेन या देन, गेन और लॉस के कारण ही होगा, और
गेन लॉस तभी होगा जब दोनों के दोनों एटम्स क्या होते हैं, डिसिमिलर हो, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स हो, ठीक है। सो प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, द एपरेंट चार्ज, एपरेंट चार्ज दैट डिवेलप्स, द एपरेंट चार्ज दैट डिवेलप्स ऑन एन एटम, किसी भी एलिमेंट का हो सकता है, when it chemically combines with some atom of a different element, समझ में आ गया, the apparent charge that develops on an atom which की जगह आएगा बच्चों when it chemically combines, ठीक है कि नहीं, क्या on an atom when it chemically combines with some atom of a different element, समझ में आ गया कि नहीं क्या। और जरूरी चीज important क्या है, oxidation state, ठीक है, oxidation state is always written for a single atom, एक single atom या element के लिए लिखा जाता है, group के लिए कभी नहीं होता है, ये single atom के लिए ही होता है, charge उस पर प्रकट हुआ, ठीक है। और similar अगर atoms के बीच में molecule बन रहा तो उसमें oxidation state नहीं होता, क्योंकि उसमें sharing होती है, और sharing में electron का loss और gain नहीं होता, gain loss से क्या होता है, उसमें charge आता है, ठीक है। second important जानकारी लिखेंगे, oxidation state जो होता है ना, वो हमेशा प्लस या माइनस के साइन के साथ देखा जाता है, ये चार्ज की बात हो रही है, ठीक है। वैलेंसी की हम बात कर लें तो मान लीजिए हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया शेयरिंग के लिए, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इसकी वैलेंसी वन, इसकी वैलेंसी वन। NaCl हमने बनाया, Na ने एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर किया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, इसने एक लिया, इस पे नेगेटिव चार्ज आया, तो इसने कितना इलेक्ट्रॉन दिया, तो देखो यहां पे शेयर किया था कितना, एक, इसने डोनेट किया कितना, एक, इसने गेन किया कितना, एक। तो अगर पूछा जाए कि हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी, वन, तो यहां वन क्या शो कर रहा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड। यहां पूछा जाए सोडियम की वैलेंसी कितनी, तो हम यहां पे फिर भी वन ही बोलेंगे, प्लस नहीं लगाएंगे, सिर्फ संख्या बतानी है यहां, मतलब दिस वन रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, और यहां पे वन क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, तो इसका मतलब ये जो वन है संख्या, ये तीनों की वैलेंसी है। तो वैलेंसी का अर्थ क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स, इट इज प्योरली नंबर विदाउट एनी साइन, पहली बात तो ध्यान रखें कि वैलेंसी एक संख्या मात्र है, साइन नहीं है, उस पर प्लस भी नहीं लगाना, माइनस भी नहीं लगाना। तो क्या देता है ये वैलेंसी, प्योरली रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर आइदर शेयर्ड और लॉस्ट और गेन्ड व्हेन एन एटम कंबाइन्स विद सम अदर सिमिलर और डिसिमिलर एटम। तो यहां तो सिमिलर के साथ कंबाइन हुआ तो शेयरिंग होती है, डिसिमिलर के साथ हुआ तो गेन लॉस होगा, समझ में आ गया। तो वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में एक प्राइमरी फर्क क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज होता है, ऑलवेज रिप्रेजेंटेड विद ए प्लस और माइनस साइन, और ये डिसिमिलर एटम्स के केमिकली कंबाइन होने से ही बनेगा, समझ में आ गया। जबकि वैलेंसी इज प्योरली ये नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आइदर गेन्ड लॉस्ट और शेयर्ड। तो वैलेंसी को हम सिर्फ क्या है, बिना प्लस माइनस साइन के साथ लिखते हैं, ठीक है कि नहीं क्या। तो यहां क्या लिख देंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज रिटन विद प्लस और माइनस साइन, समझ में आ गया कि नहीं। ये बहुत दो जरूरी पॉइंट्स है, ठीक है। और किस प्रकार से ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वैलेंसी से डिफरेंट है, तो लिख देंगे डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट, शॉर्ट में OS लिख रहा हूं, एंड वैलेंसी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो मैंने बताई दिया क्या होता है, अब मैं बता दूं क्या है वैलेंसी, इट इज प्योरली अ नंबर एंड रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स either shared or gained or lost by an atom when it combines with some
अदर सिमिलर भी हो सकता है, डिसिमिलर भी हो सकता है. व्हेन इट कंबाइंस विद सम अदर सिमिलर और डिसिमिलर एटम. समझ में आ गया? तो ये साइन के साथ होता है, ये बिना साइन के. तो कोई पूछे कि भैया NaCl बन गया हमारा, Na की वैलेंसी 1, Na का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, क्लोरीन की वैलेंसी 1, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1. समझ में आ गया सिस्टम क्या है? तो ये तो हमारा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट. अभी बहुत जरूरी चीज है किसी भी रिएक्शन को पता लगाने के लिए कि वो रिडॉक्स रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, तो मतलब भी देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है. पता लगाने के लिए हमको सबसे पहले क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आनी चाहिए. तो अब सबसे पहला काम क्या है, मैं सिखाऊंगा कि किस प्रकार से किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जाती है. तो इसके बाद रिएक्शन समझना बहुत आसान होगा. डायरेक्ट चलेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर रटना पड़ेगा आपको. मैं नहीं चाहता कि आप रटो, ठीक है ना? तो एग्जामिनेशन में रूल से रिलेटेड कुछ नहीं आएगा, लेकिन आपको रूल्स मालूम होने चाहिए, रट्टे नहीं मारने, इसको समझना है खाली, ठीक है ना? चलो, तो अभी हम देखेंगे व्हाट आर द वेरियस रूल्स टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है? तो इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे. शुड आई रब दिस? ओके. चलिए, तो सबसे पहले जान लेते हैं रूल्स क्या है. रूल्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट. एलिमेंट का एक सिंगल एटम होगा, ठीक है कि नहीं? क्या सबसे पहली जानकारी, ऑक्सीडेशन स्टेट एक सिंगल एलिमेंट का लिखा जाता है एक समय में, सिंगल एलिमेंट, उसमें भी सिंगल एटम का. तो हम लिख देंगे ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज रिटन फॉर अ सिंगल एटम, चाहे किसी भी एलिमेंट का हो, ठीक है ना? ओके. उसके बाद जैसे मान लो H2O है, यहां पे H के नीचे 2 लगा हुआ है, लेकिन जब मैं इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखूंगा तो यहां पे वो सिर्फ एक एटम की होगी, H2 की नहीं होगी. समझ में आ गया? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है. मैं जब यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट लिखूंगा तो सिर्फ एक H एटम की लिखूंगा, एक सल्फर एटम की, एक ऑक्सीजन एटम की. नीचे क्या नंबर लिखा उसे को लेना देना नहीं है. इट इज ऑलवेज रिटन फॉर अ सिंगल एटम. क्लियर है? तो ये था हमारा रूल नंबर 1, ठीक है? नंबर 2 क्या है बताओ? मैं बता चुका हूं कि अगर एक ही जैसे सेम एलिमेंट के एटम्स कंबाइन होते हैं तो शेयरिंग होती है, शेयरिंग में चार्ज नहीं आता. समझ में आ गया? तो अब मान लो कोई या तो एलिमेंट जैसे हीलियम है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये तो क्या रिएक्शन करेंगे नहीं. कुछ हमारे मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं नॉन मेटल्स के, H2O2, N2P4S8. देखो, इस चीज को हम बोलेंगे ये सब्सटेंस एलिमेंटल स्टेट में है, मतलब हाइड्रोजन के ही एटम्स हैं, तो यहां शेयरिंग होगी, लेन देन नहीं हो सकता. हाइड्रोजन के एटम से दूसरा हाइड्रोजन एटम ले और दे नहीं सकता. ये भी एलिमेंटल स्टेट में है, मतलब अलग अलग प्रकार के एटम्स कंबाइन नहीं हो रहे, डिफरेंट नहीं है, सिमिलर ही है ना. यहाँ पे भी एन और एन के बीच में शेयरिंग हो सकती है, फॉस्फरस के बीच में शेयरिंग होगी, सल्फर के एटम्स के बीच में शेयरिंग होगी. तो इस प्रकार के सब्सटेंस यदि हमको दिखे जिसमें कि एटम्स एक ही प्रकार के हो मॉलिक्यूल के अंदर, ये कहलाता है एलिमेंटल स्टेट. और अब मान लो जैसे मैंने CO2 लिखा तो ये कंपाउंड स्टेट हो गई, तो यहां पे कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट होगी. इस पर्टिकुलर परिस्थिति में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ना तो दिया जा रहा है ना लिया जा रहा है, शेयरिंग में चार्ज नहीं आता है. समझ में आ गया? तो हम क्या लिखेंगे रूल नंबर 1. ये तो हुआ नॉन मेटल की बात, और जो मेटल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल बनाते ही नहीं. आयरन है, मैं सिर्फ Fe लिखूंगा, सोडियम है, Na लिखूंगा, एल्यूमिनियम है, Al लिखूंगा, जिंक है, Zn लिखूंगा, नीचे कोई नंबर नहीं आता. तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगा? 0, क्योंकि मैंने बताया इलेक्ट्रॉन के लेन और देन के कारण चार्ज प्रकट होगा. अब इनके पास कोई दूसरा नॉन मेटल हो तभी तो इलेक्ट्रॉन देंगे, देंगे तभी तो प्लस का चार्ज आएगा. अब अकेले बैठे हैं, इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया नहीं है किसी को, तो प्लस का चार्ज नहीं आएगा, तो चार्ज क्या होगा? बिल्कुल 0 होगा. तो एलिमेंटल स्टेट में जब वो कंबाइन ही नहीं हुआ है किसी के साथ में, तो ना तो इलेक्ट्रॉन लिया ना दिया, जैसा है वैसा का वैसा है, न्यूट्रल. सो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन प्योर स्टेट, एलिमेंटल स्टेट, इट इज ऑलवेज टेकन एज 0. ओ एस ऑफ अ सब्सटेंस इन एलिमेंटल स्टेट इज 0. समझ में आ गया? तो एग्जाम्पल कहां कहां, जैसे कि मैंने बताया हाइड्रोजन
हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ठीक है, नाइट्रोजन, ओजोन ले लेते हैं, एल्यूमिनियम, आयरन, सोडियम, जिंक, समझ आ गया। तो इस प्रकार के अगर हमारे मॉलिक्यूल स्टोन मेटल मॉलिक्यूल बनाएंगे, मेटल्स हमारे सिंपल एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, एटम्स का हम सिंबल लिखना है बस खाली, तो यहां पे हमेशा जीरो लिखना है, ठीक है। उसके बाद सबसे जरूरी चीज, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, जो हाइड्रोजन है नॉर्मली दो मेन प्रकार के कंपाउंड बनाता है, ध्यान से समझेंगे, ये हाइड्रोजन है, ठीक। अब सीधी बात, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, समझ में आ गया कि नहीं। क्या अब हो सकता है ये हाइड्रोजन जो होता है ये हमारा नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करे, ठीक है, और हो सकता है ये हाइड्रोजन हमारा किसके साथ रिएक्ट करे, मेटल के साथ रिएक्ट करे। ध्यान से सुनना, जो नॉन मेटल होते हैं इनकी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और मेटल जो होते हैं दातार होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रॉपर्टी होती है, तो ये होते हैं इलेक्ट्रॉन गेनर्स। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूजर्स, ठीक है। अब मुझे बताओ ये हाइड्रोजन जो है ना, अगर इनके साथ कंपाउंड बनाएगा तो अलग प्रकार से बिहेव करेगा, इनके साथ बनाएगा तो अलग प्रकार से बिहेव करेगा, क्या करेगा। अगर कोई भी नॉन मेटल, एग्जांपल ले लेते हैं क्लोरीन, ऑक्सीजन, इनके साथ अगर ये कंपाउंड बनाएगा ना तो ये गेनर से छीन लेते हैं इससे इलेक्ट्रॉन। अब अगर इससे इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं, गेनर है ये बेचारा छोटा सा एटम, इससे छीन लिया तो इससे कैसा चार्ज आएगा, प्लस का, इसके कारण, समझ में आ गया। इस प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं वो कहलाते हैं नॉन मेटल हाइड्राइड्स, क्या कहलाते हैं, नॉन मेटल हाइड्राइड्स। तो नॉन मेटल हाइड्राइड नॉन मेटल के साथ में नॉर्मली क्या है, प्लस वन चार्ज आएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखते हैं जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते, वो तो देते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम, अलग अलग उनकी प्रॉपर्टी, कोई एक देता, कोई दो देता, तीन देता, ठीक है ना। क्या तो मान लीजिए यहां पर अगर हमारा सोडियम है या मैग्नीशियम है या फिर एल्यूमिनियम है, कोई भी मेटल ले लो, ये इलेक्ट्रॉन देगा। तो अगर मान लो सोडियम है तो सोडियम इसको तो एक इलेक्ट्रॉन देगा, अगर इसको देगा इलेक्ट्रॉन तो इस पे कैसा चार्ज आना चाहिए, माइनस का आना चाहिए। तो इस प्रकार के कंपाउंड कहलाते हैं मेटल हाइड्राइड। तो ध्यान देंगे बहुत जरूरी चीज, अगर नॉन मेटल का हाइड्राइड है नॉन मेटल के साथ कंपाउंड बनाएगा तो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट प्लस वन होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसको खोना पड़ता है तो प्लस का चार्ज आता है, ठीक। और अगर मेटल के साथ इसका सामना हो गया, मेटल से इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा इसको, क्योंकि मेटल देगा, ठीक है ना, तो इसको एक्सेप्ट करने के कारण इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉन का, मतलब समझ आ गया। तो हमारे पास हाइड्रोजन की क्या हो गई, दो दो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, ये मेजोरिटी में ज्यादातर ये है। तो बस ध्यान रखना एच के साथ अगर ये रिएक्टिव मेटल्स हमारे जो रिएक्टिविटी सीरीज ऊपर आते हैं ना, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनमें से कुछ दिख जाए तो माइनस वन, अदरवाइज प्लस वन, तो हाइड्रोजन का रूल याद रखेंगे, ठीक है। तो यूजुअली तो हाइड्रोजन की क्या है, यूजुअली तो प्लस वन है, हाइड्राइड मेटल के साथ है तो माइनस वन। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज यूजुअली प्लस वन, कहां पे, विद नॉन मेटल्स, एक्सेप्ट इन मेटल हाइड्राइड्स। एक्सेप्ट इन मेटल हाइड्राइड्स, तो मैं एग्जाम्पल बता दूं, मेटल हाइड्राइड्स कौन कौन से हो गया, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम MgH2, कैल्शियम हाइड्राइड, ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, वेयर इट इज माइनस वन, समझ में आ गया। तो अब जैसे लिथियम में एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसको एक लेना पड़ेगा, तो इसे माइनस का चार्ज आएगा, इसे प्लस का, सोडियम NH एक देगा तो एक लेना पड़ेगा। अब मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन देता है, उसकी वैलेंसी दो है, तो इस पे तो प्लस टू चार्ज आएगा, तो दो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए दो हाइड्रोजन एटम चाहिए, क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम को एक इलेक्ट्रॉन लेना है, समझ आ गया कि नहीं, दो नहीं ले सकता, तो MgH2, कैल्शियम CaS2, वैलेंसी तीन होगी एल्यूमिनियम की, तो AlH3 हो जाएगा, समझ में आ गया। तो ये था बच्चों क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, ठीक है कि नहीं, क्या हाइड्रोजन का रूल। इसी प्रकार से फोर नंबर हमारा ऑक्सीजन का रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है कि नहीं। क्या तो देखते हैं ऑक्सीजन का रूल क्या है हमारा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज यूजुअली माइनस टू, नॉर्मली अधिकतर माइनस टू है। कुछ कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं स्पेशल कंपाउंड्स जहां पे नॉर्मल ऑक्साइड से एक ऑक्सीजन ज्यादा होते हैं, इनको परऑक्साइड्स बोलते हैं। तो नॉर्मल ऑक्साइड और परऑक्साइड में क्या फर्क है भी समझा देता हूं। सपोज H2O, ये है वाटर, ये है हाइड्रोजन का नॉर्मल ऑक्साइड, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, H O O,
अब गौर से समझेंगे, एच और एच सॉरी, ठीक है, गौर से समझेंगे। ऑक्सीजन नॉन मेटल, इलेक्ट्रॉन पुलिंग पावर ज्यादा, मैंने भी बताया था। तो हो गया क्या है, अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन पुलिंग पावर है तो एक इलेक्ट्रॉन तो इससे खींच लेता है, एक इससे खींच लेता है, तो इस पे तो माइनस का 2 चार्ज आएगा, ठीक है, और इस पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस का 1, प्लस का 1, समझ में आ गया। तो मैं ये लिखवा रहा हूं, ऑक्सीजन का नॉर्मली -2 है और हाइड्रोजन का नॉर्मली क्या है, +1 है नॉन मेटल के साथ में, ठीक है। लेकिन लेकिन अब एक और बता रहा हूं, जो नॉर्मल ऑक्साइड है उससे अगर एक ऑक्सीजन फालतू दे दें, सपोज H2O2, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, एक ओ नॉर्मल ऑक्साइड से एक ओ फालतू रख देते हैं, तो इसका मतलब इस कंपाउंड में ओ और ओ के बीच में भी बॉन्ड है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कहलाएगा परऑक्साइड। एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होने से नॉर्मल ऑक्साइड में एक ओ ज्यादा कर दे तो परऑक्साइड बन जाता है। हाइड्रोजन का है तो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ऑक्साइड है वाटर, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड, PEROXID। ऐसी सोडियम ऑक्साइड Na2O, Na2O2 सोडियम परऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, तो MgO2, समझ में आ गया। जो भी नॉर्मल ऑक्साइड है एक ऑक्सीजन क्या ले लेना, उसे ज्यादा ले लेना आप लोग, ठीक है ना। चलो ये हो गया, अब इसका स्ट्रक्चर बना दूं मैं। देखो H, इसमें होता क्या है बच्चों, O दो है तो सीधी बात है एक तो O ऐसा है। अब ऑक्सीजन जो है बच्चों, ऑक्सीजन इसका आटम शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी इसकी 6 होती है ना भाई, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 है, तो मतलब 2 6, तो आटम शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग के लिए क्या है 6 इलेक्ट्रॉन हमको दिखाने हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6, समझना ध्यान से। तो ऐसे दो ऑक्सीजन है, एक और ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, समझ में आ गया। अब इस ऑक्सीजन के आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 8 में से देखो एक तो इसने यहां से शेयर कर लिया, इसके पास भी 8 होने चाहिए, तो इसने एक यहां से शेयर कर लिया, अभी भी एक एक की कमी है, तो एक एक की पूर्ति कैसे होगी, ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां ले आएगा, तो ये देखो तो अब ऑक्सीजन के 8 हो गए, यहां पर भी एक हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन ले आएगा। तो ये है बच्चों हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो ध्यान देना इस बीच वाले ऑक्सीजन में ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला ये वाला ये वाला, ये डिसिमिलर एटम्स के बीच में बना और ये है सिमिलर के बीच में, तो ये काउंट नहीं होगा। तो इस ऑक्सीजन ने एक तो शेयर किया तो इसके कारण चार्ज नहीं प्रकट हो रहा है, सेम है ना सिमिलर के बीच में, तो चार्ज जो है इसके कारण, तो यहां पे इस ऑक्सीजन को सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ा, नॉन मेटल और मेटल के बीच, मतलब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लूजिंग पावर है, इसकी गेनिंग पावर है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, तो इस पे आता है -1 चार्ज, इस पे +1, इस पे आता है -1, इस पे +1। तो कुल मिला के बात ये हुई कि नॉर्मल ऑक्साइड होता है तो -2 चार्ज आता है, क्योंकि देखो ये दोनों तरफ से गेन कर रहा है, यहां पे ये इधर से ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन के मुकाबले, तो ये भी इधर से गेन करेगा, और इन्होंने बीच में शेयरिंग कर ली है, तो यहां पे इसके कारण कोई चार्ज नहीं होता। तो अगर हम कुल पूछे कि इस ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन खींचे अपनी ओर, तो सिर्फ एक इस हाइड्रोजन से, क्योंकि दूसरा तो ऑक्सीजन है उससे तो शेयरिंग हो रही है, समझ में आ गया। तो परऑक्साइड जो होते हैं उसमें जो ऑक्सीजन है उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगा, -1 होगा, अदरवाइज -2, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर होगा H O O H, समझ में आ गया। तो यहां तो शेयरिंग हो रही है, तो सिर्फ यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है जैसे ये गया था, तो यहां पे एक ही ऑक्सीजन को दोनों तरफ से मिला इलेक्ट्रॉन, यहां पे इसको इधर से मिला, इसको इधर से मिला, और एक तो शेयरिंग हुई है, तो -1 -1 चार्ज आएगा। तो फर्क क्या समझ में आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज यूजुअली -2 एक्सेप्ट इन परऑक्साइड्स, और परऑक्साइड में क्या होगी, -1 होगी, ठीक है। आपके वैसे परऑक्साइड देंगे नहीं, तो मैं रब कर देता हूं, ये समझ में आ गया। ये चलो, तो ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज यूजुअली -2 एक्सेप्ट इन परऑक्साइड्स, और मैं बता चुका हूं परऑक्साइड क्या होता है, नॉर्मल ऑक्सीजन से एक ज्यादा होता है ऑक्साइड में, ठीक है। तो एग्जांपल लिख लेते हैं, H2O वाटर था, हाइड्रोजन परऑक्साइड, Na2O सोडियम ऑक्साइड था, Na2O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है MgO, एक लगा दो एक्स्ट्रा, कैल्शियम Al2O3, तो Al2O4, समझ में आ गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स है हमारे परऑक्साइड्स के, ठीक है कि नहीं क्या। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज यूजुअली -2 एक्सेप्ट इन परऑक्साइड्स वेयर इट इज -1। आपको ऐसा केस वैसे आएगा नहीं, तो आपको तो यूजुअली वाले याद रख लो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। एक एटम के लिए लिखा जाता है, उसके बाद एलिमेंटल स्टेट में 0 होता है, सबसे जरूरी चीज ये बच्चे भूल जाते हैं, पॉइंट नंबर 2। उसके बाद
हाइड्रोजन का नॉर्मली प्लस वन लेना, ज्यादा आगे दिमाग लगाना नहीं, मेटल हाइड्राइड आपको नहीं देंगे, ठीक है कि नहीं क्या? एंड ऑक्सीजन का लेना है माइनस टू. उसके बाद रूल नंबर फाइव, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कली मेटल्स, ये होते हैं हमारे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम. आप अगर पीरियोडिक टेबल देखोगे तो सबसे जो पहला वर्टिकल ग्रुप है एलिमेंट्स का, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? प्लस वन. ये ग्रुप वन एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है. इसी प्रकार से जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो सेकंड नंबर का जो ग्रुप है उसको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये होते हैं हमारे कौन कौन से? बेरिलियम, तो उसके बाद आता है हमारा मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम. इनका है प्लस टू. मतलब ये सारे एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ये सारे दो दो करते हैं. तो ग्रुप वन वाले एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ग्रुप टू वाले टू टू इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं. तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कितना होता है? कौन कौन से है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम. बाद में आपको इसको याद करना सिखा देंगे, पीरियोडिक टेबल समझेंगे ना, क्लासिफिकेशन वगैरह वहां पे. तो सिंपल याद रखो, ग्रुप वन मेटल्स एल्कली मेटल्स, तो इसमें ज्यादातर आपको सोडियम पोटेशियम काम आने वाले हैं और यहाँ पे मैग्नीशियम कैल्शियम ज्यादा काम आएंगे. इनका प्लस वन होता है, इसका प्लस टू हमेशा. समझ में आ गया? चलो फिर ऊपर के मैं कुछ मिटाऊंगा. हेलोजन्स, हेलोजन होते हैं बच्चों हमारे जो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सेकंड लास्ट ग्रुप जो हमारी नोबल गैसेस होती है लास्ट में, उससे जस्ट पहले का 17th नंबर ग्रुप. टोटल 18 ग्रुप्स हैं, 18 में से 17 नंबर ग्रुप. उसका नॉर्मली हम क्या लेते हैं? माइनस वन लेते हैं. लेकिन माइनस वन हम तभी लेते हैं जब वो नॉन मेटल के साथ जुड़ रहा है, जैसे क्लोरीन वाला. क्लोरीन जो है नॉन मेटल है. अब अगर ये मेटल के साथ कंबाइन करेगा, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, तो माइनस वन लेना है. लेकिन अगर ये नॉन मेटल, मतलब समझ में आ गया? मतलब ये है, अगर बता दूं आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हेलोजन्स, हेलोजन मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ये एक्चुअल में है ग्रुप नंबर 17 है, ठीक है कि नहीं क्या? यह क्या है? ग्रुप नंबर 17. तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हेलोजन्स ये इज यूजुअली माइनस वन व्हेन हेलोजन एटम कंबाइन्स विद नॉन मेटल्स, सॉरी विद मेटल्स. तो अगर ये मेटल के साथ कंबाइन हो रहे हो तो माइनस वन लेना. अच्छा, अगर ये नॉन मेटल के साथ हो रहे हो ना, तो फिर कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस वन के अलावा माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फाइव, माइनस सेवन तक जाता है. ध्यान देना, समझ में आ गया? तो सिर्फ अगर ये हेलोजन के साथ अगर मेटल दिखाई दे, टेक इट माइनस वन, अदरवाइज फिर बाद में देखेंगे कैसे निकलेगा. समझ में आ गया? तो ये रूल ये है याद रखने वाला, ठीक. उसके बाद एट्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल द एटम्स इन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज जीरो. समझेंगे एग्जांपल. मान लेते हैं H2SO4 है, H2SO4 है. अब मैं बता चुका हूं हाइड्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट कितना होगा. हाइड्रोजन का प्लस वन, मैंने बताया नॉर्मल स्टेट में प्लस वन लेना है. ऑक्सीजन का बता चुका हूं नॉर्मली कितना होता है? माइनस टू. सल्फर एटम का, अब पहले तो मुझे बताओ कि ये जो मॉलिक्यूल H2SO4, ये समूह एज इट इज जो मॉलिक्यूल है उसका जो टोटल चार्ज होगा सभी एटम्स का मिला जुला के ऐड कर ले तो जीरो होना चाहिए, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में कभी कोई चार्ज होता नहीं है. तो भाई हाइड्रोजन एटम जो एक सिंगल है उस पे चार्ज प्लस वन होता है, मैं बता चुका हूं. ऑक्सीजन पे माइनस टू होता है. सल्फर का हमको पता नहीं है, लेकिन रूल क्या कहता है? क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, जितने भी एटम्स हैं, अब कितने एटम्स हैं? हाइड्रोजन के दो, सल्फर का एक और ऑक्सीजन का चार. इन सबका जो टोटल चार्ज है उन सबको ऐड करने से क्या आना चाहिए? जीरो. तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल द एटम्स, अब मैं सबका जोड़ के बता रहा हूं, सबका सम जीरो आएगा, ठीक है ना. तो चलो एक काम करते हैं, इसमें से सल्फर का तो पता ही नहीं हमको, तो सल्फर का क्या कर लेते हैं? सपोज हम मान लेते हैं स्मॉल एक्स मान लेंगे. समझ में आ गया? चलो तो अब बताओ हाइड्रोजन एटम का चार्ज है प्लस वन. कितना है? प्लस वन. कितने एटम्स है हाइड्रोजन के हमारे, बताओ?
दो एटम्स हैं तो दो एटम का हो गया दो गुना, समझ में आ गया। एक एटम हम हमेशा एक एटम का लिखते हैं, एक एटम का प्लस मान है तो दो एटम्स का दो गुना हो गया, ठीक। प्लस एक सल्फर एटम है उसका एक्स मान रखा है तो एक्स लगा देते हैं, समझ में आ गया। और ऑक्सीजन एटम जो है उसका चार्ज ऐड करना है, माइनस टू होता है तो प्लस, एक एटम का है माइनस टू और ऐसे एटम से टोटल चार। इन सभी चार्जेस को जोड़ने से क्योंकि मॉलिक्यूल न्यूट्रल है आंसर आना चाहिए जीरो। अच्छा अगर ये मान लो कैटायन होता, मान लो ये होता अमोनियम आयन एन एच फोर प्लस, तो एन का और चार एच एटम्स का लेते तो वहां प्लस में लिख देते। अगर ये सल्फेट आयन होता एसओ फोर टू माइनस तो वहां टू माइनस, मतलब समझ आएगा न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है सम जीरो। प्लस का आयन है तो जो चार्ज है आयन का वो, अगर माइनस का आयन है पॉलीएटॉमिक आयन तो जो चार्ज है वो, समझ में आ गया फिलहाल जीरो है। चलो अब इससे पता क्या कर सकते हैं हम, सल्फर का निकाल पाएंगे, ठीक है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से। चलो टू वन जा टू प्लस का, प्लस नहीं पता, फोर टू जा माइनस एट इज इक्वल टू जीरो आ गया, ठीक है ना। ये रब कर दूं तो इस जानकारी से हेल्प ये मिली हम क्या है अननोन एटम का, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर कितना आ गया प्लस सिक्स। यहां प्लस सिक्स आया, किसी दूसरे कंपाउंड में कुछ और भी आ सकता है, प्लस टू भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, तो कंपाउंड टू कंपाउंड डिपेंड करता है। तो ये कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, कहीं पूछेंगे सर आपने तो उस कंपाउंड में तो सल्फर का प्लस सिक्स निकाल दिया, इसमें तो कुछ और आ रहा है, आ सकता है तरह तरह के आ सकता है, कंपाउंड टू कंपाउंड डिपेंड करता है, लेन देन की क्षमता होती है कंपाउंड से वेरी करेगी, तो इट कैन बी डिफरेंट इन डिफरेंट कंपाउंड, समझ में आ गया ना। ओके जी, तो ये था हमारा ये जी, अभी यही रूल हम दो बार और लिखेंगे, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल द एटम्स इन अ पॉली एटॉमिक आयन, चाहे वो कैटायन हो या एनायन हो, इट इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ द आयन, ठीक है कि नहीं क्या। सो क्या है नाइन्थ वाला, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल द एटम्स इन अ पॉली एटॉमिक आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ द आयन। चलो इसको भी एग्जांपल से समझा देते हैं, मैं एक ले लेता हूं नेगेटिव आयन और एक ले लेता हूं मैं पॉजिटिव आयन, ठीक है। चलो तो सपोज मैंने एग्जांपल ले लिया, यहां पे एक हमने ले लिया अमोनियम का ही ले लेते हैं, और ये अमोनियम आयन का टोटल चार्ज क्या होता है प्लस वन, और एक में फॉस्फेट आयन ले लेता हूं पीओ फोर और इसका चार्ज होता है थ्री माइनस, पीओ फोर थ्री माइनस, ठीक। अब मुझे बताओ एच का हमको पता है, हमको सिर्फ एक एटम का चार्ज लिखना है ऊपर, तो इसका तो प्लस वन होता है, इसका नहीं पता एक्स मान लेते हैं। अब मुझे बताओ एक नाइट्रोजन एटम का चार्ज एक्स, एक ही है प्लस, एक हाइड्रोजन एटम का चार्ज प्लस वन होता है और इसको इंटू करना है चार से, और इसको इंटू ओवरऑल चार्ज प्लस वन आना चाहिए, मतलब प्लस वन। चलो ये आ गया एक्स, ये आ गया प्लस फोर इसकल टू वन, तो एक्स इसकल टू वन माइनस फोर कितना आया, समझ में आ गया कितना आया माइनस थ्री आ गया नाइट्रोजन एटम का चार्ज, समझ में आ गया। तो हमने निकाल लिया ऑक्सीजन स्टेट नाइट्रोजन का कितना हो गया माइनस थ्री हो गया, ठीक। इसका निकाल लेते हैं, चलो बताओ फॉस्फरस का हमको नहीं पता एक्स और इसका माइनस टू, मैंने बताया ना ऑक्सीजन का नॉर्मली माइनस टू लेना, ठीक। तो चलो बताओ फॉस्फरस का नहीं पता, एक ही एटम है प्लस, एक ऑक्सीजन एटम का माइनस टू है और ऐसे कितने चार एटम्स है और ओवरऑल आयन समूह का चार्ज है माइनस थ्री, ठीक है। तो x माइनस एट इजक्वल टू माइनस थ्री, एक्स इजक्वल टू माइनस थ्री प्लस एट, वी विल गेट प्लस फाइव, समझ में आ गया। अब मैं आपको कुछ होमवर्क देने जा रहा हूं, ठीक है, मैं कुछ कंपाउंड्स लिखूंगा और उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे गिवन एलिमेंट्स के, ठीक है। तो उसको अच्छे से आप लोग नोट कर लेंगे, पॉज करके रब करके मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं उसको नोट करेंगे, ठीक है। चलिए
तो ये जो हमारा आयन है MnO4 माइनस, इसमें आपको Mn की ऑक्सीजन स्टेट निकालनी है, ऑक्सीजन की मैं बता चुका हूं, ठीक है। इसमें किसकी निकालेंगे आप लोग, क्रोमियम की निकालेंगे। इसमें किसकी निकालेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की पता है आपको, सिर्फ कार्बन की निकालनी है। इसमें किसकी निकालेंगे आप लोग, क्लोरीन की निकालेंगे। मैं बता चुका हूं हैलोजन जो होता है ना, हैलोजन वो मेटल के साथ -1 होगा, तो यहां पे तो नॉन मेटल है तो इसका कुछ भी निकल सकता है, ठीक है। नाइट्रेट आयन है, नाइट्रोजन की चाहिए, ऑक्सीजन की पता है आपको, MnO2, तो यहां किसकी निकालोगे, Mn की निकालना है। ये मॉलिक्यूलर न्यूट्रल इक्वल टू में 0 रखेंगे, यहां पे इक्वल टू में -1 -1 ये, ठीक है। ये MgCl2, इसमें Cl की आपको पता है मेटल के साथ है तो -1, Mg की निकाल लेना x मान करके। इधर P4, ये एलिमेंटल स्टेट में ध्यान देना, ठीक है कि नहीं क्या। तो इन सब की आप लोग एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। ये टॉपिक एक बार आपको कंप्लीटली समझ में आ गया, इसके बाद बच्चों हम देखेंगे क्या होता है रिडॉक्स रिएक्शन, डेफिनेशन क्या होती है रिडॉक्स रिएक्शन। एक्चुअल में दो अलग अलग रिएक्शंस का कॉम्बिनेशन है, एक है रिडॉक्स रिएक्शन, सॉरी एक है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और एक है रिडक्शन रिएक्शन। तो फिर देखेंगे हम ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, क्या इनके डिफरेंसेस है, खूब सारे डिफरेंसेस देखेंगे, एंड हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। ये देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको अच्छे से समझ करके, रूल्स को रटना नहीं है समझना है, समझ के इसको अप्लाई करना आपको आना चाहिए। आई होप आप ये अच्छे से देख करके इसको नोट कर लेना, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, सो इसको नोट कर लेंगे अच्छे से।